दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर से ठिठुर रहा है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी पारा सामान्य से काफी नीचे है। दिल्ली में रात के समय ज्यादातर रैन बसेरों में लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई। ठंड बढ़ने के साथ साथ रैन बसेरों में आने वाले बेसहारा लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में अगले दो दिन तेज शीतलहर का अनुमान जताया है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण ठंड और बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में आज का दिन काफी ठंडा रह सकता है। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। लेह में कई दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। लेह का औसत तापमान -17 डिग्री दर्ज किया गया है। भारी बर्फबारी के बाद पीने का पानी की किल्लत हो गई है, क्योंकि पानी के पाइप में बर्फ जमी है। लोगों को पानी के लिए इन पाइप को गर्म करना पड़ रहा है। कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।